हम लोग इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर का जो आपका प्रैक्टिकल है वो करने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। आज हम करेंगे 116.2 जिसमें हमें डीसी मशीन के आर्मेचर प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। अब इस आर्मेचर प्रतिरोध का मान ज्ञात करने से पहले हमारी जो डीसी मशीन है इसमें हमें ये चेक करना होगा कि हमारी कौन सी वाइंडिंग जो है वो आर्मेचर वाइंडिंग है। आर्मेचर वाइंडिंग टेस्ट करने के लिए जब भी हम अपना टेस्टिंग लैंप को इनकी जो वाइंडिंग्स हैं उनमें टच करते हैं तो हमारा ये लैंप जो है स्पार्किंग के साथ चलता है। जैसे कि हम इसे देखिए आपको दिखाते हैं, यहाँ देखिए स्पार्किंग हो रही है इसमें। तो अगर स्पार्किंग के साथ चल रहा है इसका मतलब हमारी वाइंडिंग कौन सी है? आर्मेचर वाइंडिंग। अब हमारी आर्मेचर वाइंडिंग फाइंड हो चुकी है, अब हम बकाया सेटअप करेंगे। तो अब हमने ये टेस्ट कर लिया है कि हमारी आर्मेचर वाइंडिंग कौन सी है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे जो प्रैक्टिकल में कौन कौन सा सामान उपयोग में आ रहा है। तो हमारे ये डीसी कंपाउंड मोटर का यूज कर रहे हैं, एक हमारा रियोस्टेट है 6 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 मल्टीमीटर है, इनका उपयोग हम कैसे कर रहे हैं, एक हमारा वोल्टमीटर की तरह और एक हमारा अमीटर की तरह यूज हो रहा है, एक स्विच बोर्ड हमने ले रखा है और इस पूरे सेटअप को हम जो हमारा परिपथ आरेख हमारा यहाँ पर बना हुआ है इसके हिसाब से हमने कनेक्शंस दे दिए। अब हमें करना क्या है, हमें अपने रियोस्टेट को ऐसे सेट करना है कि हमारा जो अमीटर है उस पर रीडिंग आएगी पहली 0.5 मिली एम्पियर, जैसा कि हमारे प्रैक्टिकल के टेबल में दे रखा है कि हमें अपना सेट करना है उसे 0.5 मिली एम्पियर पर और वोल्टेज की वैल्यू चेक करनी है क्या आ रही है। तो जैसे कि मैंने इसे सेट कर रखा है, देखिए 0.5 मिली एम्पियर पर सेट है और वोल्टेज की वैल्यू आ रही है 0.50, जिसे आप लोग नोट कर लोगे बेटा, नोट कर लो। इसी टाइप से हम इसे सेट करेंगे किस पर, 1 मिली एम्पियर पर। अब आप देखिए ये जो आपका अमीटर की रीडिंग है वो आ गई 1 मिली एम्पियर पर। 1 मिली एम्पियर पर हमारा, थोड़ा सा इसे और सेट करा जाएगा, 1 मिली एम्पियर पर हमारा वोल्टेज की वैल्यू कितनी आ रही है, पहले से एग्जैक्ट 1 मिली एम्पियर पर सेट कर लिया जाए, ठीक है। तो 1 मिली एम्पियर पर आ रही है हमारी 1.03 वोल्ट। तो हम उसको भी अपनी जो हमारे टेबल दे रखी है बुक में उसके हिसाब से हम उसे नोट कर लेंगे। और हमारा जो फॉर्मूला है R = V/I, इस फॉर्मूले से हम रेजिस्टेंस के मान निकाल लेंगे। ऐसे हमें ये 5 वैल्यूज पर, 5 अपने जो करंट हैं उनकी वैल्यूज पर वोल्टेज के मान निकालने हैं और ये वोल्टेज के मान निकालने के बाद हम रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी उसका एक औसत मान ज्ञात कर लेंगे। यही औसत मान हमारा उस डीसी मशीन के आर्मेचर प्रतिरोध का मान होगा। इस हिसाब से आपका ये जो प्रैक्टिकल है 116.2 वो कम्प्लीट होगा।